हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 4 टेरिबल्स डिकूज एंड द रीजंस ऑफ अ गोल्डन एज का नेक्स्ट टॉपिक। इसमें अब तक स्टूडेंट हमने बिरसा के बारे में पढ़ा कि वो किस तरह की फैमिली में उसका जन्म हुआ, मुंडा फैमिली में, और किस तरह से जो वहाँ के लोग थे वो उसे फॉलो करते थे या उसका कहना मानते थे, और लोग जो हैं किस तरह से जो डिकूज हैं, जो बाहरी शक्तियाँ हैं, उनके शासन से जो वो परेशान हैं, जैसे अंग्रेज़ हैं। फिर हमने इसमें पढ़ा हाउ डिड टेरिबल ग्रुप्स लीव, कि ये लोग किस तरह से जीवन यापन करते थे, किस तरह से कुछ जो ये जनजातीय जो समूह हैं या दल हैं, ये किस तरह से झूम कल्टीवेट करते हैं या झूम कृषि में अपना योगदान करते हैं। इनमें से कुछ जनजातियां जो हैं वो हंटर्स भी होते हैं या जंगल का जो सामान है उसे गैदर करके अपना काम चलाते हैं। फिर इसी तरीके से हमने इसमें आगे पढ़ा कि कुछ जो जनजातीय लोग हैं वो सिर्फ जानवर चराते हैं और कैटल्स जो हैं, हियर्ड्स जो हैं, उनको चराते हैं। फिर हमने जो है किस तरह से नई फील्ड्स को मूव करना है, ये सब हमने इसमें पढ़ा। फिर हमने इसमें पढ़ा कि सम टुक सेटल कल्टीवेशन, कि कुछ जो जनजातीय लोग हैं 19वीं शताब्दी के बाद जो है उन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया, एक जगह बसना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि हाउ डिड, कि किस तरह से जो कर्नल रूल था उसने इन टेरिबल जो जनजाति जो लोग हैं इनके जीवन को प्रभावित किया। फिर वॉट हैपन टू द टेरिबल चीफ्स, कि जो मुखिया थे जनजातीय समूहों के उनके साथ में क्या हुआ, ये भी हमने इसमें पढ़ा कि जो जनजातीय समूह के जो मुखिया होते थे उनके जो राइट्स थे, कि किस तरह से वो एम्पावर करते थे या किस तरह से वो फंक्शन करते थे अपने कबीलों को चलाने के लिए, तो जो सारे के सारे पावर्स हैं वो ब्रिटिश रूल ने अपने अधीन जब वो आए तो उनको ले लिया गया, और उनसे जो है टैक्सेस भी गवर्नमेंट ने लेना शुरू कर दिया। अब आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें व्हाट हैपन टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, कि क्या हुआ शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ में, यानी जो एक जगह से दूसरे स्थान पर खेती करते थे, झूम खेती जिसे हम कहते हैं, तो झूम खेती करने वालों को जो सिचुएशन है कर्नल पीरियड में, उनकी क्या सिचुएशन हुई या उनके साथ में क्या हुआ। तो लेट्स स्टार्ट इट। द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल विद ग्रुप्स who moved about and did not have a fixed home, कि ब्रिटिशर्स जो थे वो अनकम्फर्टेबल थे किससे, उन समूहों से जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, यानी जो एक जगह सेटल नहीं थे उन जनजातीय लोगों से जो है ब्रिटिशर्स परेशान थे। दे वॉन्टेड, वो चाहते थे टेरिबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन, कि ये जो जनजातीय समूह हैं ये एक जगह सेटल हो जाएं, ये एक जगह रहना शुरू कर दें एंड बिकम पीजेंट कल्टीवेटर, और ये जो है एक तरह से किसान बन जाएं और एक ही ज़मीन पर जो है ये अपनी खेती करें, ये घुमंतु जो कृषि करते हैं उसे ये त्याग दें। सेटल पीजेंट्स वर ईजी टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटर देन द पीपल हु आर ऑलवेज ऑन मूव, क्योंकि अंग्रेज़ जो हैं वो ये मानते थे कि जिस तरह से जो सेटल पीजेंट्स होते हैं, जो एक ही जगह पे जो किसान रहते हैं, उनको कंट्रोल करना और उन पर शासन करना आसान होता है, इजी होता है, एज कंपैरिजन जो कृषक एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा मूव करते हैं, क्योंकि जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं उन पे आप किसी भी तरह का, हम कहें कि टैक्स जो है टैक्सेस वो आप नहीं लगा सकते हो, उनसे कोई रेवेन्यू आप नहीं ले सकते हो, तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स थी इनको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने ये चाहा कि इन सभी जो घुमंतु प्रजातियाँ हैं इनको सेटल किया जाए, इनको एक जगह रखा जाए। द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड रेगुलर रेवेन्यू सोर्सेज फॉर द स्टेट, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो ये चाहते थे कि राज्य के लिए जो है एक नियमित लगान जो है वो उन्हें राज्य से मिलता रहे, क्योंकि जब तक ये लोग सेटल नहीं होंगे, ये जो घुमंतु कृषक हैं ये अगर सेटल नहीं होंगे, एक जगह रहना शुरू नहीं करेंगे, तो ये आपको टैक्स भी नहीं देंगे, तो इसके लिए वो चाहते थे कि ये लोग जो हैं एक जगह पे क्या हो जाए, सेटल हो जाए। दैट इज़ दे मेजर द लैंड सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, तो फिर उसके बाद जो है इन्होंने लैंड सेटलमेंट को स्टार्ट किया, दैट इज़ जिसके अंदर इन्होंने शामिल किया, दे मेज़र द लैंड, उन्होंने ज़मीन को नापना शुरू किया, डिफाइन द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड, और उस पर्टिकुलर जगह के लिए
और उस पर्टिकुलर जगह के लिए जो है उन्होंने रेवेन्यू जो है वो भी फिक्स किया कि क्या लगान उस ज़मीन के लिए होनी चाहिए. सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, कुछ जो किसान थे या जो कृषक थे उनको उन्होंने लैंड ऑनर्स घोषित कर दिया, यानी उनको ज़मीन का मालिक घोषित कर दिया. अदर्स टेनेंट्स और कुछ को उनका किराएदार बना दिया. एज़ यू हैव सीन चैप्टर टू, जैसा कि आपने चैप्टर टू में देखा, द टेनेंट्स फॉर टू पे रेंट टू द लैंड ऑनर, कि टेनेंट्स वो होते हैं जो ज़मीन के मालिक को किराया देते हैं, हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट, और लैंड ऑनर जो है वो क्या करता है, उसे टैक्स के रूप में, लगान के रूप में राज्य को चुकाता है. द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेटर्स वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल, लेकिन जो झूम कल्टिवेटर्स थे, जो घुमंतू जनजातियाँ थीं, उनको सेटल करने में ब्रिटिशर्स जो हैं उनके प्रयास सफल नहीं हुए. सेटल प्लग कल्टिवेशन इज़ नॉट ईजी इन एरिया, क्योंकि एक जगह रुककर खेती करना इतना आसान नहीं था इन क्षेत्रों में, वेयर जहाँ वाटर इज़ सैक्रेस, जहाँ पानी की कमी हो एंड द सॉइल इज़ ड्राई, और ज़मीन सूखी हो. इनफैक्ट अगर हम कहें तो झूम कल्टिवेटर्स हु टुक टू प्लग कल्टिवेशन ऑफन सफर्ड, कि जो लोग ये घुमंतू कृषि करते थे उन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया. सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स, क्योंकि उनकी जो ज़मीन थी वो अच्छी फसल नहीं दे रही थी. सो द झूम कल्टिवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भी हम कहें कि इन फैक्ट कि झूम कल्टिवेटर्स हु टुक टू प्लग कल्टिवेशन ऑफन सफर, इन लोगों ने काफ़ी परेशानियों का सामना किया और इनके जो फील्ड्स थे वो भी अच्छी पैदावार इनको नहीं दे रहे थे. तो इस तरह से कहें कि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जितने भी झूम कल्टिवेटर्स थे, घुमंतू कृषक थे, ऑन कंटिन्यूइंग विद ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, तो उन्होंने अपनी जो पारंपरिक जो प्रैक्टिसेस थी उनको कंटिन्यू करने की बजाय फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, उन्होंने खुले तौर पर जो है एक व्यापक तौर पर ब्रिटिश सरकार का क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया. द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन सब पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट. तब ब्रिटिशर्स ने उन्हें अलाउ किया, उन्हें कहा कि आप जंगलों के कुछ भाग को अपनी खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें एक पिक्चर भी हमें दिया है, टेरिबल वर्कर्स इन अ राइस फील्ड इन आंध्र प्रदेश, कि आंध्र प्रदेश में जो जनजातीय किसान मजदूर हैं वो चावल के, धान के जो खेत हैं उनमें काम कर रहे हैं. नोट द डिफरेंस बिटवीन राइस कल्टीवेशन इन द फ्लैट प्लेन्स एंड इन द फॉरेस्ट, कि जंगलों में और फ्लैट जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ में, दोनों में जो इसकी खेती की जाती है चावल की, उसमें क्या अंतर पाया जाता है. अब हम देखें कि फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, कि सरकार ने क्या, ब्रिटिशर्स ने जो है जंगलों को लेकर कानून बनाए और उनका जो है वहाँ पे रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा. द लाइफ ऑफ टेरिबल ग्रुप एज़ यू हैव सीन, कि जो जनजातीय ग्रुप थे, कबीले थे, जो उनकी लाइफ थी, जो उनका जीवन था, यू हैव सीन, जैसा कि आपने देखा, वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, कि वो सीधे सीधे अगर हम देखें तो जंगलों से जुड़ा हुआ था. सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन टेरिबल लाइफ्स, तो अगर आप जंगलों को लेकर कोई नया कानून घोषित करते हो तो उसका सीधा सा असर जो है इन जनजातीय लोगों के जीवन पर पड़ेगा. द ब्रिटिश एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर ऑल द फॉरेस्ट, ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा आधिपत्य जो है वो पूरे जंगलों पर ले लिया, एंड डिक्लेयर, और ये घोषणा कर दी दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी, कि जितने भी जंगल हैं वो राज्य की संपत्ति है. सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, कुछ जंगलों को तो उन्होंने रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया, यानी संरक्षित जंगलों में घोषित कर दिया, फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड, और वहाँ पे वो लकड़ी वो प्रोड्यूस करते थे जिनकी कि उनको ब्रिटिशर्स को ज़रूरत थी. इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, और ऐसे जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट थे, जो संरक्षित वन थे, उनमें लोगों का घूमना जो है वो बिल्कुल मना था, उस पर निषेध था. प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन, और जो घुमंतू कृषि थी, कलेक्ट फ्रूट्स फॉर हंट एनिमल्स, क्योंकि ये फलों को इकट्ठा करते थे, जानवरों को मारते थे. हाउ वर झूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन, तो ऐसी परिस्थिति जहाँ पे उनको जंगलों में घूमने के लिए ही मना कर दिया गया है, तो उनके सामने एक बहुत ही भयानक
जो परिस्थिति है वो आ जाती है. मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड्स. उनमें से कुछ लोग तो मजबूर हो गए उन स्थानों को छोड़ने के लिए और नए एरियाज में जाने के लिए ताकि उन्हें काम मिल सके और वो अपना जीवन यापन कर सकें. बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द टेरिबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट. लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसे जनजातीय लोगों को जंगलों के अंदर रहने से बिल्कुल मना कर दिया. दे फेस अ प्रॉब्लम और इससे भी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा. फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लोग्स. कि अगर इस तरह के लोग जंगलों में रहेंगे तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको लेबर चाहिएगा टू कट ट्रीज जंगलों को काटने के लिए, फॉर रेलवे स्लीपर क्योंकि जो रेलवे के अंदर जो सीट्स होती हैं स्लीपर्स होते हैं उनके लिए उनको लकड़ी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए उनको लकड़ी चाहिए. तो ये लकड़ियाँ वो कहाँ से लाएंगे. कर्नल ऑफिशियल केम अप विद अ सॉल्यूशन. कर्नल ऑफिशियल जो है वो एक समाधान निकालते हैं. दे डिसाइडेड उन्होंने तय किया दैट दे वुड गिव झूम कल्टीवेटर्स स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट. कि जंगलों के अंदर छोटे छोटे टुकड़े जो है ये इन किसानों को दिए जाएंगे. एंड अलाउ देम टू कल्टीवेट दीज ऑन द कंडीशन. और कुछ शर्तों के ऊपर ये वहाँ पे कृषि कर सकते हैं. दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेजेस. कि जो लोग गाँव में रहेंगे हु हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. कि जो लोग गाँव में सेटल होकर रहेंगे उनको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वन विभाग जो है वो उनको मजदूरी का काम जंगलों में देगा. सो इन मेनी रीजंस द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश फॉरेस्ट विलेज टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर. और जंगलों के आसपास ही ऐसे गांवों को बसाया गया जहाँ पे इन जनजातीय लोगों ने रहना शुरू किया. और इससे जो ब्रिटिशर्स थे उनका ये फ़ायदा हुआ कि जंगल के नज़दीक ही उन्हें जो सस्ता मजदूर है या सस्ती मजदूरी जो लोग हैं वो उनको आसानी से अवेलेबल हो जाते थे बिना कोई ज़्यादा प्रयास किए. अब यहाँ पे हम आगे हमें सोर्स टू दिया हुआ है. इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हार्ड इज़ टू लीव. कि ऐसे अंग्रेज़ी ज़मीन पर रहना लोगों के लिए कितना मुश्किल था. इन 1930s, वेरी एल्विन विजिट द लैंड ऑफ बेगास. बेगा जाति जनजाति के लोगों को वेरी एल्विन ने विजिट किया 1930 में. अ टेरिबल ग्रुप इन द सेंट्रल एशिया. ये मध्य भारत में रहने वाला एक जनजातीय समूह है. ही वॉन्टेड टू नो अबाउट दैम. वो उनके बारे में जानना चाहते थे. देयर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, देयर आर्ट एंड फोकलोर्स. वो उनके रीति रिवाजों के बारे में, उनके रिचुअल्स के बारे में, किस तरह से वो लोग रहते हैं, उनकी कला क्या है, उनका लोक गीत क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे. ही रिकॉर्डेड मैनी सॉन्ग्स. और उन्होंने कई सारे गीत भी रिकॉर्ड किए. दैट लेमिनेटेड द हार्ड टाइम ऑफ द बेगास. कि किस तरह से जो वो कठिन जीवन यापन कर रहे थे वर हैविंग अंडर ब्रिटिश रूल. कि ब्रिटिशर्स के शासन के अंदर जो बेगा जनजातीय लोग हैं वो किस तरह का जीवन यापन कर रहे थे उसके बारे में. तो यहाँ पे एक सॉन्ग थोड़ा सा इन्होंने लिया है. इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इज़ टू लीव. अंग्रेज़ों की इस ज़मीन पर रहना बहुत मुश्किल है. हाउ हार्ड इज़ टू लीव. कितना मुश्किल है. इन द विलेज सिट्स द लैंड लॉर्ड. ऐसा गांव जहां कौन बैठा है, लैंड लॉर्ड बैठा है. इन द गेट्स सिट द कोतवार. और ऐसे दरवाजे जहां पे कोतवार बैठा हुआ यानी पुलिस बैठी हुई है. इन द गार्डन्स, गार्डन्स बगीचों में कौन बैठा है, पटवारी. इन द फील्ड्स सिट्स द गवर्नमेंट. और खेतों में कौन है, सरकार है. यानी इन लाइनों में हमें ये पता चल रहा है कि किस तरह से जो बेगा जनजाति के लोग हैं उनके जीवन को मुश्किल कर दिया गया है. कि खेत जो हैं उनको कौन देख रहा है, लैंडलॉर्ड देख रहा है. गाँव को कौन देख रहा है, कोतवाल देख रहे हैं, पुलिस देख रही है. और बगीचे को पटवारी देख रहा है. और खेतों पे नज़र किसकी है, सरकार की है. इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इज़ टू लीव. ऐसे अंग्रेजी ज़मीन पर रहना बहुत मुश्किल है. टू पे कैटल टैक्स. कैटल टैक्स पे करने के लिए यानी पशुधन का जो लगान है वो पे करने के लिए हमने क्या कर दी, गाय ही बेच दी. टू पे फॉरेस्ट टैक्स. जंगलों का टैक्स पे करने के लिए हमने भैंस बेच दी. द पे लैंड टैक्स. ज़मीन का कर चुकाने के लिए हमने बैल बेच दिया. हाउ आर वी टू गेट अवर फूड. अब हमें अपना भोजन कैसे मिलेगा. इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश यानी जहाँ पे ब्रिटिशर्स का शासन है तो ऐसे शासन पे हमें खाना कैसे मिलेगा. तो इस पोयम के थ्रू हमें बेगा जनजाति जो लोग हैं उनके जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी पता चल रहा है. कि वो लोग कितना कठिन जीवन जो है वो इस सिचुएशन में जी रहे थे.
मैनी टेरिबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कर्नल फॉरेस्ट लॉ. कई जनजातीय समूह जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के जो ये जंगलों का नियम उन्होंने लगाया था, जो ये कानून बनाया था, उसकी उसके वो विद्रोह करने लगे. दे डिसऑबे द न्यू रूल्स. उन्होंने जो नए नियम बना गए थे उनकी अवमानना कर दी. कंटिन्यू विद प्रैक्टिसेस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल. और वो सारे काम करते रहे जिन्हें कि गैर कानूनी जो है ब्रिटिशर्स ने घोषित कर दिया था. एट टाइम्स रोज इन द रिबेलियन. और एक समय ऐसा आ गया कि ये विद्रोह जो है वो इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया. सच वॉज द रिवोल्ट ऑफ द सोंग्राम संगम इन 1906 में. ये जो पूरा का पूरा रिवोल्ट था, आंदोलन था, इसने बड़ा रूप ले लिया और सोंग्राम संगम के रूप नाम से ये जाना गया इन आसाम में. एंड द फॉरवर्ड सत्याग्रह ऑफ द 1930s इन द सेंट्रल प्रोविडेंस. और मध्य भारत में भी 1930 में जो है इसे फॉरवर्ड सत्याग्रह के नाम से इस रिवोल्ट को जाना गया. तो आज की वीडियो में इतना ही. आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.